नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी और इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठी हूं और ट्रैवलिंग कर रही हूं। कहां, ये एक सस्पेंस है। पहुंचकर उस जगह पर मैं आपको वहां के दर्शन भी कराऊंगी और मैं कहां जा सकती हूं आपको बहुत अच्छे से पता है कि मंदिर और गुरुद्वारे की सिवा मुझे कोई और राह सूझती नहीं है। मुझे ज़्यादा घूमने का शौक़ नहीं है, मैं होम सिक है मुझे, मतलब मुझे घर में ही रहना सबसे ज़्यादा पसंद है। घर से बाहर जाना, ट्रैवलिंग, पैकिंग करो, अनपैक करो, ये सब मुझे बहुत टेंशन वाला लगता है। लेकिन यहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, यहाँ जाना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है और करीबन पिछले 6 महीने से मैं यहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ। आज आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी ऐसी थी कि एक युवक था, उसके परिवार के सभी लोग एक्सीडेंट में मर गए थे, बड़ा गरीब था। तो गाँव के बगल में एक गाँव था जहाँ पे बहुत अमीर सेठ रहा करते थे। उन वहाँ पे से किसी एक अमीर सेठ के घर में वो जाके नौकरी करने लगा। उसके परिवार में तो सब खत्म हो गए थे, सेठ उसे खाने वाने को दे देते थे और वो सेठ की गायों को जंगल में जाके चराता और वापस उनकी जगह पे ला के रख देता, ठीक है। लेकिन आज गर्मी बहुत थी, गायों को चरा कर जब वापस आया तो नौकरानी ने उसे बाजरे की रोटी दी। रोटी ठंडी थी तो उसने कहा रोटी ठंडी है, थोड़ी रबड़ी दे दो। तो नौकरानी ने कहा दिमाग ख़राब है क्या तेरा, रबड़ी दे दूँ? तेरी औकात देख, तेरे को रबड़ी देने वाली औकात है क्या? मैं तुझे कोई रबड़ी वबड़ी दूँगी, खानी है खानी खानी, भाग जा। सेठ ये अंदर बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था। वो चाहता तो नौकरानी को रोक सकता था पर उसने रोका नहीं। यहाँ पर इस लड़के में स्वाभिमान था, उसे बुरा लगा, उसने वो बाजरे की रोटी वहीं छोड़ी और सेठ का काम छोड़कर चुपचाप से घर से निकल गया। आगे गया दूसरे गांव में तो वहाँ संतों की एक टोली आई हुई थी, उनके साथ बैठा। उन्होंने पूछा तेरे घर में कौन है? उसने बोला मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं एक सेठ के पास काम करता था और काम छोड़ कर आ गया। तो उनमें से एक महानुभव इंसान ने कहा कि तू संत बन जा। उसे बनारस भेज दिया गया, संतों ने उसे अपने पैसों से पढ़ाई करवाई, वो एक बहुत बड़ा आचार्य बन गया। जब वो आचार्य बनकर लौटा, संत बनकर लौटा, तो उसे महामंडलेश्वर बना दिया। इन सब कामों में 5 से 6 साल गुजर गए। उसके बाद अब वो महामंडलेश्वर बन गया, जगह जगह जाता, चौकियाँ लगाता। एक दिन उसकी चौकी उसी गांव में लगी जहां वो नौकरी करता था। वही सेठ उसके पास आया और बोला कि आप हमारे गांव में आए हैं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे घर में आकर अगर भोजन ग्रहण करें। उसने वो तो सेठ को पहचान रहा था पर सेठ उसे नहीं पहचान रहा था। वो सेठ के घर पहुंचा तो सेठ ने उसे अपने हाथ से हलवा ला के दिया और नवग्रह जो भोज होता है ना, नवग्रहों को जो भोज लगाया जाता है, वो कई तरह के पकवान उसके सामने रखे गए और सेठ बोला मेरे हाथ से हलवा खा लो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। तो संत सेठ ने बोला आप क्यों हंस रहे हो? तो संत बोला, वो नौकर बोला, कुछ याद आ गया। सेठ ने कहा अगर ऐसी बात है जो सुनकर मेरे चेहरे पर भी हंसी आए तो मुझे भी सुना दो। तो लड़का बोला नहीं, हंसी तो नहीं आएगी आपको, शर्मिंदा ज़रूर हो जाओगे लेकिन फिर भी सुनाता हूँ। उसने अपनी पूरी मंडली को कहा कि कोई नहीं खाएगा, रुक जाओ, पहले मैं सेठ को पूरी बात बता दूँ। बोला तुम्हारे यहाँ एक लड़का रहता था, नौकर था, गायों को चराता था, कहाँ गया वो? कह रहे वो किसी बात पर गुस्सा होके एक दिन चला गया, लौट के वापस नहीं आया। सेठ ने बात को गोलमोल कर दिया। संत मुस्कुराए और बोले मैं वही लड़का हूँ और जब तुम्हारे घर में थोड़ी आज जब मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी सी रबड़ी नहीं मिली और आज तुम मुझे अपने हाथ से 56 भोग लगा रहे हो, नवग्रह भोग लगा रहे हो, तुम मुझे अपने हाथ से हलवा खाने के लिए कह रहे हो, काश तुमने काश उस टाइम पर अपने नौकर का थोड़ा रिस्पेक्ट कर लिया होता। सेठ को बहुत शर्म आई, नौकरानी भी वहीं खड़ी थी उससे भी शर्म आई। संत बिना खाना खाए वहाँ से चले गए। इस कहानी से मैंने 3 बातें समझी कि अगर भगवान के सानिध्य में, संत के सानिध्य में रहा जाए तो जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना मिले, लेकिन बशर्ते आपको संतों की, एस्ट्रोलॉजर्स की, अच्छे लोगों की संगत मिलनी चाहिए। कहाँ आपको सूखी बाजरे की रोटी मिल रही थी और संत बनते आपको कितने पकवान मिलने लगते हैं। दूसरा, अगर आप गरीबी और अभाव में रह रहे हैं तो उन जकड़ों को तोड़कर आपको कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि उस लड़के ने लिया, उस नौकरी के काम को छोड़ के बाहर निकला तो उसे कुछ बड़ा मिला। अगर अपने ही दायरे में रहोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। और तीसरा, विद्या से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, शिक्षा अनिवार्य है। कमेंट्स में जय माता दी एंड हैप्पी जर्नी भी ज़रूर लिखेगा, आप लोगों के विशेष की सख्त ज़रूरत है।